सुपरवाइजर की बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरफ कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और आज ये बेटियां रोड पर हैं, दिल्ली सरकार के सामने भी और केंद्र सरकार के सामने भी। इस पूरे जो यहाँ सुपरवाइजर इनका नेतृत्व एक यूनियन कर रही है, आइए उस यूनियन की लीडर से हम जानकारी लेते हैं कि आपकी मांगे क्या हैं और आप इनको किस तरीके से हैंडल करें, आप इनको किस तरीके से इनकी मांगों को पूरा कराएंगे। मैडम आपका नाम? मेरा नाम कमला है, मैं दिल्ली CIT से हूँ और मैं कामगार महिलाओं के लिए काम करती हूँ। आज से 4 साल पहले ये CIT के यूनियन के तहत आए, जब इनको 5-5 महीने का वेतन नहीं मिला था तो सबसे पहले इनको वेतन दिलाया गया और सरकार के पास हमने एक मांग पत्र भेजा कि जितनी भी लड़कियां सुपरवाइजर हैं, चाहे वो 2011 की हैं 16 की हैं, सबको आप अपने चुनावी वादे के अनुसार उनको वहीं, क्योंकि ये सबको क्या किया है इन्होंने, ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग पे रखा और इनका चुनावी वादा ये था कि जितने भी लोग आउटसोर्स हैं ठेके पे हैं उन्हें हम परमानेंट करेंगे, तो ये अपना वायदा पूरा करें। इसके लिए हम 4 साल से इनसे बात कर रहे हैं। 4 साल में बात करते करते अभी ये हुआ है कि दिल्ली में जो न्यूनतम वेतन लागू हुआ, इनको तो वो भी नहीं मिलता था। अभी 1 साल हुआ है ना आप लोगों को, 1 साल 17,000 जो शुरू हुआ, अभी 6 महीने अभी नहीं हुआ है दिल्ली सरकार ने एक न्यूनतम वेतन लागू किया और इन्होंने लड़के लिया है, घर बैठ के इनको नहीं मिला है। जो अभी न्यूनतम वेतन दिल्ली सरकार ने दिया इनको मिला है, अभी वो भी 2,000 या 3,000 बढ़ा है। ये कानून की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है, जहाँ परमानेंट नेचर का काम है वहाँ आप आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी नहीं कर सकते, ये हमसे कानून पूछ रहे हैं। हम इन्हें बताना चाहते हैं कि जब ये नहीं हो सकता तो आपने किस कानून के तहत इनको नौकरी दिया। फिर सेम चीज है, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है, चाहे आप आउटसोर्स हो चाहे आप ठेकेदार पे हो, आपको समान काम का समान वेतन मिलेगा। मैडम इससे पहले आंगनवाड़ी वर्करों ने भी स्ट्राइक की थी तो आप लोगों को उनका दुख दर्द नजर नहीं आया, आज सुपरवाइजरों की आप पैरवी कर रही हैं, तो उनके साथ में क्या विडंबना रही आपकी? दुर्भाग्य ये है कि हम आंगनवाड़ी वर्कर के साथ भी थे, हम पिछले 17 साल से दिल्ली आंगनवाड़ी के लिए लड़ रहे हैं और जो यूनियन बैठी थी, जो आज वो कहती है कि हम सिर्फ 58 दिन बैठ के ये ले गए, गलतफहमी है। पिछले 17 साल से हम लेके आए, वो यूनियन कहाँ से लेके आई न्यूनतम वेतन, वो यूनियन कहाँ से लेके आई? वो तो बोल रहे थे कि वो सबको परमानेंट या वो दिलाए बिना नहीं हटेंगे, फिर वो क्यों हट गए? ये हमारी ही लड़ाई थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उन्होंने, जो वो यूनियन बैठी थी उसने उसको कैप्चर किया है और आज वो बोलती है 2015 में यही यूनियन थी जिसने आंगनवाड़ी वर्कर्स को प्रोरेटा पर लेके गई थी, यानी डेली वेजेस पे लेके गई थी, और कच्चे जो कर्मचारी हैं इसमें वर्कर्स काम करने वाले उन्हें 89 डेज का ब्रेक देकर सालों कच्चों पे काम कराना चाहती थी, इसी यूनियन ने करवाया था। ये शिवानी की जो दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन है उसने ये करवाया था। 15 दिन में हमने तैयारी करके वो दोनों वापस करवाए, प्रोरेटा पर लड़कियां नहीं गई, उनका वेतन नहीं गया और 309 लोग पक्के हुए और आज भी 18,000 की मांग वो यूनियन हवा में भी नहीं लेके आई थी। ये दिल्ली CIT और पूरे सेंटर CIT का आंदोलन था जिसके तहत न्यूनतम वेतन की बात आई थी, तो फिर वो सारी हम उनके साथ भी थे हैं और रहेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने फिर ये माना जाए कि जो यूनियन है वो जिनके साल लगते हैं उनको गुमराह करती हैं, आप उन्हीं से सवाल करो ना, ये मैंने बोला शिवानी से जाके पूछ लीजिए, पूछिए उससे कि उसने ये सब किया वो गुमराह कर रही थी या नहीं, पूछिए उससे। उसने तो ये भी कहा था कि वो सारी मांगे लिए बिना नहीं हटेगी, फिर क्यों चली गई, क्यों चली गई, करती ना वो सारी चीजें, गुमराह वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनसे सवाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। और दिल्ली CIT हमेशा लड़ती रही, अभी भी आपने इनसे एक सवाल किया कि आप ये तो प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ और ये करो, ये प्रधानमंत्री वही ICDS का बजट में कटौती किया, तब शिवानी कहाँ थी, कहाँ थी शिवानी, क्यों नहीं बोली, बोलना चाहिए था ना।
दो तीन साल सरकार 2015 में जो एग्रीमेंट किया इसने और सरकार ने पैसा नहीं बढ़ाया, तब शिवानी कहा जी तब क्यों नहीं आई। अभी जो ये सवाल आ रहा है, हमारा ये कहना है ये सिर्फ दिल्ली सरकार का काम नहीं है, पूरी योजना के तहत जो सेंटर सरकार ये करने जा रही है, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें वो ख़त्म करने जा रहे हैं, पहले बजट कम करके। अभी मेनका गांधी का ये है, उन जब हम उनसे मिले थे तो उन्होंने बोला प्राइवेट नहीं करेंगे, लेकिन अभी क्या किया है 300 सेंटर जिलों को वो लोग कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर कैश ट्रांसफ़र हो गया कौन आएगा आंगनवाड़ी में, आंगनवाड़ी सेंटर सारे बंद हो जाएंगे, सुपरवाइजर्स भी सारी बाहर हो जाएंगी, तो कहाँ है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये हमारा है, हमारा ये कहना है दिल्ली सरकार से, ये हमारा कहना है कि जब आपने चुनावी वादा किया, लोगों ने आपको वोट दिया, इसी आधार पे दिया, तो आज आप इसको ये क्यों कह रहे कि ये 6 महीने से लगी है। 6 महीने से जो लगेगा क्या उसे हक नहीं है परमानेंट होने का? आपने ये चुनावी वादे वाली बात कही थी, केंद्र सरकार ने भी किसानों और इनको सबको समान वेतन देने वाली बात की थी, तो एक हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया था, ये तो जुमले थे। तो जुमलों से सरकार चलेगी, तो हम सिखाना चाहते हैं अगर सेंट्रल सरकार भी जुमला खेल के सोचती है लोगों को बेवकूफ़ बनाएगी और दिल्ली सरकार भी, तो ये नहीं चलेगा। आएंगी तो हमारे पास ही ना, आएंगी तो हमारे पास ही ना सिखा देंगे। आज जो जुमले सिखा रहे हैं ना हमें सेंटर सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, यही जनता उन्हें जुमले सिखाएगी जब उनको एक किनारे लगाएगी। मतलब इस धरने को लेके आगामी योजना आपकी क्या रहेगी? हम तब तक धरना कर रहे हैं जब तक ये सरकार हमसे आके बात नहीं करती है। हमारा ये कहना है कि आप सबसे पहले इनकी नौकरी इनको बहाल करो, फिर आगे बातचीत करो ना। हमारा ये कहना है, क्या गलत मांग है? आप ही ने तो वादा किया ना। ये सवाल नहीं है कि 6 महीने 1 साल या 10 साल से जो लड़कियां काम कर रही वो मांग नहीं कर सकती। क्यों? सरकार का काम नहीं है रोजगार देना? सरकार का काम है ना, तो सरकार इतना सारा पैसा लगा के ट्रेनिंग दे के ये सब करके, तो उस पैसे को क्यों बहा रहे हो बेकार? तो आपको नहीं सोचना चाहिए था जब आप परमानेंट, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास परमानेंट आ गए, तो इनको क्यों नहीं परमानेंट बनाया गया? पहल तो इन्हीं की होनी चाहिए। और अभी भी हमारा ये मानना है जब आपके यहाँ पे आउटसोर्स या दूसरा कर्मचारी काम कर रहा, तो पहलकदमी जब आप परमानेंट करेंगे उसकी होनी चाहिए। हमारी सरकार से कोई विशेष व्यक्तिगत हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई ये है कि इनको आप सब इनकी नौकरी को वापस कीजिए और इन्हें परमानेंट कीजिए, हमारा बस यही कहना है। धन्यवाद।